दोस्तों, आज हम लोग बड़ी शिक्षा बड़ी डिग्री हासिल करने के लिए देश से बाहर जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जिस तरह आज हम लोग पढ़ाई करने के लिए देश से बाहर जा रहे हैं, उसी तरह दुनिया भर के लोग पढ़ाई करने के लिए भारत आते थे। और यहाँ पर दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी एक नहीं बल्कि 20 यूनिवर्सिटी थी। उन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी था लालंदा, जिसका मतलब है ना रुकने वाला ज्ञान। लालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में होएनसान और इसिंग की किताब से पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी का सारा श्रेय गुप्त वंश के कुमार गुप्त को देते हैं। लालंदा यूनिवर्सिटी पूरे 500 एकड़ में फैला था। इस यूनिवर्सिटी में 7 बड़े कक्ष थे और 300 से अधिक अन्य कमरे थे। सोने के लिए पत्थर की चौकी बना था। दीपक पुस्तक आदि रखने के लिए आली बनी हुई थी। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और 1500 से ज्यादा टीचर पढ़ाते थे। लालंदा में चाइना, इंडोनेशिया, कोरिया, पर्सिया, तुर्की और श्रीलंका जैसे देशों से यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे। भारत पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र था। यहाँ बुद्धिज्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, मेडिसिन और ग्रामर जैसे विषय का अध्ययन किया जाता था। इस यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता था। यहाँ पढ़ाई करने वाले कुछ छात्रों का नाम आया है, जैसे कि हर्षवर्धनम, बसुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुन, पद्मसाभव और होएनसान जैसी बड़े बड़े नाम शामिल है। ये यूनिवर्सिटी इसी तरह से 800 सालों तक फलता फूलता रहा। इतना फल फूल रहा यूनिवर्सिटी, फिर अचानक से अतीत के पन्ने से गायब कैसे हो गया, इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं, अरब से बख्तियार खिलजी नाम का एक मुसलमान कुछ सेना लेकर आया और यूनिवर्सिटी को जलाकर वापस चला गया। लेकिन जलने का कारण जब इतिहासकारों को पूछा जाता है तो इतिहासकार चुप्पी साध लेते हैं या फिर वो लोग बताना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन मिनहाज उच सिराज अपनी किताब तबाकत ई नासरी में लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी नाम का एक मुसलमान सुल्तान को एक बीमारी हुआ था। वो बहुत से हकीमों से इलाज करने के बाद वो बीमारी ठीक नहीं हुआ था। फिर भारत का एक ब्राह्मण ने इलाज करने के बदले में लालंदा को जलाने का शर्त रखा था और इस शर्त को खिलजी मान जाता है और वो बीमारी से भी ठीक हो जाता है। और शर्त के अनुसार लालंदा जैसी 4 यूनिवर्सिटी को जलाकर चला जाता है और उसका विरोध भारत का कोई भी राजा नहीं करते हैं, क्योंकि भारत में पूरी तरह से ब्राह्मणवाद फैल चुका होता है और वो नहीं चाहते थे भारत एक बौद्धिस्ट देश बने। लालंदा यूनिवर्सिटी में 3 बड़े बड़े लाइब्रेरी थी, जिसमें 90 लाख किताब थे। उन सारी किताब को जलने में लगभग 3 महीने लग गए थे। सोच कर देखिए कितना सारा किताब होगा। भारत पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र था। ये थे लालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ अनसुनी बातें। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।